हेलो एवरीवन, आई एम पूर्णिमा सिंह। वेलकम टू पूर्णिमा सुपर किचन। आज हम बनाएंगे अरबी की टिक्की, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अरबी की टिक्की बनाने के लिए मैंने ये 5 उबली हुई अरबी और 2 उबले हुए आलू लिए हैं, और गरम मसाला लिया है मैंने, अजवाइन ली है और लाल मिर्च पाउडर लिया है, हींग चाहिए होगी, चाट मसाला चाहिए होगा, हरी मिर्च चाहिए होगी एंड राइस फ्लावर चाहिए होगा, सॉल्ट चाहिए होगा, थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च मैंने ले ली है, अगर आपके पास ना हो तो मत लीजिएगा, अनियन चाहिए होगा एक कटा हुआ, और जीरा पाउडर चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा फ्राई करने के लिए, सेलो फ्राई करेंगे हम। अब हम अरबी और आलू को मैश कर लेंगे फोक की हेल्प से। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही अच्छे से मैश हो गई है। इसी तरह से मैंने आलू को भी मैश कर लिया है। अब एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, आधी कटी हुई लाल शिमला मिर्च डालेंगे, ये देखने में अच्छा लगेगा और इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे, हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे, 1/4 अनुसार नमक डाल लेंगे, 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर डाल लेंगे, या अगर आपके पास कॉर्न फ्लावर हो तो डाल लीजिएगा। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप रेड शिमला मिर्च की जगह ग्रीन शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे। एक पैन में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। इस तरह से टिक्की का शेप देंगे और कॉर्नफ्लावर में इस तरह से रोल करेंगे, एक्स्ट्रा झाड़ देंगे, हल्का हिस्सा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरह से बना के रखते जाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब एक एक करके टिक्की डालते जाएंगे। सभी टिक्कियों को मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। टिक्कियों ने सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लिया है, अब इसमें और तेल डाल लेंगे। टिक्की एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है, मैंने पलट लिया है, अब दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब निकालेंगे एक प्लेट पे। लीजिए, तैयार हो गई हमारी टेस्टी टिक्की। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी स्नैक्स है, टी टाइम स्नैक है। इसे आप सुबह के नाश्ते में खाइए या शाम के नाश्ते में खाइए, बहुत ही जल्दी बनने वाला स्नैक है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।